चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा सेशन आज हम लोग पहले ले रहे हैं, है ना? आपके सेशन की टाइमिंग तो 8 PM की है, बट आज हम लोग पहले सेशन कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा मुझे शाम को एक क्लास है उसकी वजह से। तो एक बार सभी लोग जल्दी से कंफर्म करें आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ऑडियो बड़ी क्लियर है, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ऑल ऑफ यू? लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए ओके परफेक्ट। तो ठीक है, सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो ECL का आपका जो अपकमिंग आपका एग्जाम है उसका जो हमारे पास सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, डेली प्रैक्टिस। तो उसी का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉग के क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हमने मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोवेव, इन दो के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हमारा पार्ट है डिस्कशन का, कौन सा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालॉग के क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे, विद इन 1 आवर हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज जल्दी सभी लोग सेशन को ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपने क्वेश्चन के आंसर बताने की ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, द आइडियल ओपीएम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, विच वन, ए बी सी डी, कौन सा सही है आपके पास, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लग रही है जो कि ठीक है? ओके वेरी गुड परफेक्ट। ठीक है ओके परफेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर। आर आई आपके पास इन्फिनिटी, ए इन्फिनिटी और आर नॉट जीरो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक, इंक्रीज स्टेबिलिटी, डिक्रीज स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ इंक्रीज, इनपुट इंपेडेंस इंक्रीज। थोड़ा फास्ट बताएंगे सब लोग आंसर, बस आपकी रीडिंग वाले क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में। सेशन को लाइक करो, शेयर करो और सभी लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECL जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम लोग DPP कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 12 सब्जेक्ट के हमारे पास 30 क्वेश्चन है, दो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड माइक्रोवेव। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालॉग। तो जिस किसी ने मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जाके प्रीवियस जो भी लास्ट के हमारे सेशन है उनको जाके देख लीजिएगा और उनके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को लगा के जरूर जाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत है कि आपको मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और माइक्रोवेव के वही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो वही आने के चांसेस ज्यादा। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्विक। लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो सही आंसर हमारे पास क्या है, डिक्रीज स्टेबिलिटी, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आप ले लीजिए 2-3 मिनट और थ्योरी क्वेश्चन में 1 मिनट बहुत है आपके लिए। फाइंड द आंसर,
एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई सभी लोग जल्दी से, सो दैट इस सेशन की रीच बाकी लोग के पास पहुंचे और वो लोग भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। जल्दी सॉल्व करो क्विक सभी लोग। मान लीजिए इस टर्मिनल पे आपके पास वोल्टेज क्या है V1, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपके पास V2। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। नाउ व्हाट इज V1? V1 इज V0 इंटू 10K डिवाइड बाय 10 प्लस 100, 110K, गॉट इट। तो ये आ गया V0 बाय 11। तो आपके पास V1 V2 इक्वल हो गया, ये भी आ गया आपके पास V0 बाय 11। केसीएल लगा दो, है ना, कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इस नोड पे केसीएल लगाइए। तो इस नोड पे अगर आप केसीएल लगाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, V2 -2 डिवाइड बाय 5K प्लस V2 -V0 डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू 0। अब V2 की वैल्यू आपको पता ही है, V0 बाय 11, तो यहाँ पे आप प्लग कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे प्लग करेंगे आपको V0 की वैल्यू मिल जाएगी, चेक करो कितना आ रही है, इन प्लेस ऑफ V2 V0 बाय 11। चेक करिए आपका आंसर जाएगा क्या आ रहा है आंसर भाई, एनीवन? सिंपल कैलकुलेशन। देखो ओपीएम के जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके पास केसीएल वर्चुअल कंसेप्ट ये चलता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क में कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये आ रहा होगा आपके पास -5.5 वोल्ट, डी ऑप्शन, ठीक है। यहां से आपको V2 की वैल्यू यहां पे प्लग करनी है बस, और कुछ आगे बढ़े। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज ट्राई करो आंसर बताने की, ऑल ऑफ यू। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, ट्राई दिस वन, ध्यान से पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है आपसे, अच्छे से पढ़िए सभी लोग, क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं और क्या उसने आपको दे रखा है डेटा, उसको ध्यान से देखो। The open loop gain of an amplifier is 1000 and the negative feedback of 1.5 into 10 to power minus 3 is applied to the system. What is the gain of the feedback amplifier if the internal gain is increased by 25%? बताइए क्या आपके पास आंसर सही होगा? करिए सॉल्व एंड टेल मी योर आंसर्स, क्या आपके आंसर आ रहे हैं सभी लोग बताएं। तैयारी करो आप लोग अच्छे से भाई, आपके पास अब बहुत सारे PSUs ऐसे अपकमिंग नहीं आने वाले हैं कि आप सोचो कि आपको विदाउट गेट मिलेंगे। पेपर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NPCIL, सारे के सारे PSU आपके जो अपकमिंग हैं, जो अभी फिलहाल का नोटिफिकेशन है वो गेट के थ्रू है। और आपका गेट अच्छा गया है तो अच्छी बात है, और गेट आपका अच्छा नहीं गया है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको मिस मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। जितना मेहनत मतलब यहाँ पर हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उससे डबल मेहनत आपको करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपके पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ नहीं है ना, आपके पास नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हंड्रेड्स में। थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग भी, ये सेशन जो बनाए जाते हैं आप लोग के लिए सिर्फ आप ही लोगों के लिए हैं,
कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। ओके, सो व्हाट इज द ओपन लूप गेन हियर इन दिस? थाउजेंड एंड द फीडबैक फैक्टर? तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एग्जाम जो है वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन के थ्रू एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है बिकॉज ऑफ इलेक्शन, है ना? तो आपके एग्जाम हो सकते हैं पोस्टपोन हो जाए, तो जो अपॉर्चुनिटी है कम से कम एटलीस्ट उस पर फोकस रखो, उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। जैसे कि अभी आप देखें जिन बच्चों ने बार का पेपर दिया और थोड़ा सा थोड़ी सी उन्होंने मेहनत की बार के एग्जाम के लिए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स की कॉलिंग हुई है, बहुत ज्यादा, है ना? अनएक्सपेक्टेड, कभी भी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए गए। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को मिस नहीं करनी होनी चाहिए। और इस एग्जाम में भी आपको पता है शायद 1:5 या 1:8 का रेशियो है कि आपको कॉल की जाएगी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और आपको जॉब के लिए पीएसयूपी में जॉब के लिए आप सीरियस हैं तो बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है आप लोगों का, जैसा भी आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। सो सिंप्लीफाई दिस, आपका आंसर आ जाएगा। करी कितना है? ओके वेरी गुड, ठीक है। सी आर है 435, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 435 है करेक्ट। सो सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 435, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। चलिए ट्राई दिस वन। आर सी आई सी आर वन आर टू आर थ्री आई ई सी वन सी टू वी आई, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस जीएम ऑफ द कंपोजिट ट्रांजिस्टर, ये आपको फाइंड आउट करना। तो पहले तो जीएम है क्या हमारे पास? आई सी अपॉन वी आई, ये ठीक है। आई सी इज बीटा अपॉन 1+बीटा आई ई, एमिटर करंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कलेक्टर करंट को। और ये आपके पास जो आई ई है यही आपके पास ट्रांजिस्टर में क्या है, ड्रेन करंट, सभी को दिख रहा होगा। ये आपके पास ट्रांजिस्टर का क्या हो गया, ड्रेन करंट हो गया ना। ध्यान से सभी लोग सर्किट को देखो, दिस इज द ड्रेन करंट। और जो आपके पास वी आई है वही आपके ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस, ठीक है। वीटा की वैल्यू कितनी है, 99। सो 99 अपॉन 100 आईडी अपॉन वीजीएस, दिस इज व्हाट, दिस इज जीएम, किसके लिए, फॉर मॉसफेट, जीएम ऑफ मॉसफेट, ठीक है, गॉट इट। सो 99 अपॉन 100 जीएम ऑफ मॉसफेट, क्या आपके पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। सो योर आंसर विल बी 1.98 मिली एम्पियर पर वोल्ट, डी ऑप्शन, ठीक है।
अच्छे से देख लो सभी लोग, सर्किट को फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको समझने की कोशिश करिए कैसे मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है ट्रांजिस्टर से मॉस्फेट के लिए। देखिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन, ट्राई दिस। यार आप लोग मतलब बहुत, चार पांच लोग आंसर बता पा रहे हैं, क्लास में इतने लोग हैं उसके बाद सिर्फ आंसर आ रहे हैं चार पांच लोगों के। प्लीज आप लोग आंसर जो है, जो भी आपके गलत आंसर आ रहे हैं वो भी आप बताने की कोशिश करो, एटलीस्ट उससे लगेगा तो आप लोग प्रैक्टिस तो ट्राई तो कर रहे हो ना। तो जो भी आपका आंसर आया, गलत आया सही आया, आप अपने आंसर जरूर बताएं, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। करिए सॉल्व। चलिए बताइए क्या आंसर आया, एनीवन। अगेन यहां पे आप एक काम करो, इसको मान लीजिए आप B1, इसको मान लीजिए आप B2। नाउ B1 इज इक्वल टू B2, वर्चुअल कॉन्सेप्ट। तो पहले एक काम करो, B1 निकाल लो, 3 × 8 किलो ओम डिवाइड बाई 8 + 1, 9 किलो, सो इट कम्स 8/3 वोल्ट। नाउ B1 इज इक्वल टू B2, सो वी कैन से हियर दैट B2 इज 8/3 वोल्ट। अब जो B2 वाला आपके पास है टर्मिनल, वहां पे क्या लगा दें, KCL लगा दें। सो V2 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 किलो ओम, V2 माइनस V0 डिवाइड बाय 5 किलो इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो B2 की जगह पर रखिए आप 8/3 और आपके पास V0 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। बस सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल स्टेप है, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम स्टेप, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और KCL, बस दैट्स इट। चेक करो V0 कितना है, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बी ऑप्शन है, इट कम्स 6 वोल्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट। एन एम्पलीफायर विद रेजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक हैज टू लेफ्ट हाफ प्लेन पोल्स,
इन इट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन द एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी अनस्टेबल एट हाई फ्रिक्वेंसीज विल बी स्टेबल फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज मे बी अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक फैक्टर. And will oscillate at low frequencies. वो क्या कह रहे हैं आपसे? He is saying that we have two poles and both the poles are lying in left half, right? ये ठीक है? तो of course, और आपके पास poles left half में lie कर रहे हैं, then it is always stable for all frequencies. B option. सही बात, सही point है? तो B आपके पास कैसा है? B आपके पास सही option, correct? चलिए. नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये लीजिए, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड द कॉमन मोड वोल्टेज गेन ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन डीबी इट इज गिवन रिस्पेक्टिवली देन इट्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है ना, सी एम आर आर करा जाए. So what is common mode rejection ratio in DB? In DB, common mode rejection ratio is 20 log AD upon differential voltage gain, common mode voltage gain. ये ठीक है? Correct. So what is the 20 log AD? It is 48. And what is the 20 log AC? It is 2. So your answer is 46 dB. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है. बहुत आसान है, ठीक है? सी आ रहा है, 46, करेक्ट. बिल्कुल सही, वेरी गुड. अरे बाकी लोग भी तो आंसर बताओ, चार पांच लोग आंसर बता रहे हैं. बाकी लोग क्लास में करके आ रहे हैं, सेशन को लाइक करिए, एटलीस्ट शेयर करिए क्वेश्चन आंसर. मैंने आपको क्या बोला, आपके आंसर सही आते हैं, आपके आंसर गलत आते हैं, बट आप प्रैक्टिस करें, ट्राई तो करें. जब आप ट्राई करना स्टार्ट करेंगे तभी आपके आंसर बनना स्टार्ट होंगे. और आप बसते रहेंगे कि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, तो आपके आंसर कभी भी आप अटेम्प्ट करने की आपके अंदर जो एक नेचर डेवलप होता है वो नहीं हो पाएगा. तो जो भी आपका आंसर आया, आंसर बताओ आप मुझे, सही गलत जो भी है बताइए, ठीक है? सो 20 लोग एडी मतलब आपके पास डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इन डीबी, 20 लॉग एसी मतलब आपके पास कॉमन मोड वोल्टेज गेन इन डीबी, ये गिवन है. कहने का मतलब ये हो गया, और डीबी में आंसर पूछा है तो मैंने पहले से ले लिया 20 लॉग. चलो नेक्स्ट वन, फाइव स्टेजेस आर कनेक्टेड इन कैस्केड थ्रू कपलिंग वपलिंग दे रखी है आपको. इफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर एज वोल्टेज गेन 100, इफ इनपुट इंपेडेंस इज 1 किलो ओम एंड द लोड कनेक्टेड टू द कलेक्टर इज 500 ओम देन फाइंड आउट द ओवरऑल गेन. ओवरऑल गेन बताना आपको है ना. कितने स्टेज है आपके पास टोटल? 5, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है? So voltage gain of each amplifier is 100. ये देखा उसने? Voltage gain of each amplifier is 100. But loading effect occurs at the stage first amplifier. So we can say AB1, V01 divided by VI1.
ये तो आ गया आपके पास AB1। देखो सब लोग ये ठीक है, चेक कर लीजिए। AB1 मैंने निकाली यहां पे फॉर्मूले से। अब AB2 कितना है? 100। AB3 कितना है? 100। AB4 कितना है? 100। AB5 कितना है? 100। तो व्हाट इज द ओवरऑल गेन? AB1, AB2, AB3, सॉरी AB2, AB3, AB4, AB5, ऑल दीज आर 100। बस पहला वाला जो था आपके पास उसको आपको सॉल्व करना था, तो वो मैंने नीचे फॉर्मूले से आपके लिए सॉल्व कर दिया। बाकी सारे आपके पास 100 है। गॉट इट? तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा? एनीवन? ये तो आया हमारे पास 66.66 एंड रेस्ट ऑल आर 100। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज 6.6 × 10⁻¹। सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। सी नहीं आ रहा है अंजलि कुमार, बी आ रहा है। हाँ बी आ रहा है, नॉट सी, इट इज बी, राइट? बिल्कुल ठीक है, बी आर करेक्ट। लोडिंग इफेक्ट अकर्स एट द स्टेज फर्स्ट एम्पलीफायर, ठीक है? ओके डन। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। ट्राई दिस वन। दो मिनट से, 2 से 3 मिनट का टाइम बहुत है आपके लिए ना, करिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। If the closed loop gain of the above amplifier, sorry, below amplifier is 100, the value beta will be is what? Open loop gain कितना है? 10 into 10 into 10, 10 to power 3. ये होगी आपके A की value, है ना? Beta आपको find out करना है. और closed loop gain आपके पास है, वो given आपके पास 100 है. Simple. काफी आसान question है, बनाओ. करिए solve. चलिए पहला
तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने आंसर बताएं, क्या आप लोग के आंसर आ रहे हैं। ऑल ऑफ यू गाइस, ओके ओके। तो देखिए, हमारे पास अगर आप देखें यहां पर ध्यान से सभी लोग, तो ओपन लूप गेन कितना है हमारे पास? ओपन लूप गेन हमारे पास है 10 × 10 × 10, कितना हो गया? 10 to the power 3, ठीक है। सो ए अपॉन 1 + a बीटा, ये तो होता है क्लोज लूप गेन। और ये आपके पास गिवन कितना है? 100। बस आ गया, कर लीजिए सॉल्व। बीटा पूछा उसने आपसे, कैलकुलेट बीटा, इट कम्स 9 × 10 to the power -3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आंसर कितने लोगों का आया? 2-3 लोगों का बस, ऑनली। तो भाई आप लोग कर क्या रहे हो, है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ अपने अपने, है ना? ऐसे ही आपके पास 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आप सोचो कि बहुत ही आपके पास क्वेश्चन लेंदी आएंगे, नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर टाइम ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास 1-2 मिनट का टाइम रहता है। पीएसयूज में आपके पास लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, गेट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो
आंसर क्या है एनीवन? जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस। चलिए तो सॉल्व करिए इसको, क्या आंसर आ रहा है एनीवन?
लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। से लास्ट क्वेश्चन, तो यहां पर हमारे पास f अपॉन 4 × 10^5 है ना, तो ये हो गया आपके पास f ऑफ h1, गॉट इट, 4 × 10^5। f ऑफ h2 क्या होगा हमारे पास, 4 × 10^6, ठीक है, ये हो गया आपके पास f ऑफ h2। सो 4 × 10^5 f ऑफ h1 एंड 4 × 10^6 दिस इज योर f ऑफ h2। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां पे जब आप प्लग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा f ऑफ h की वैल्यू, चेक करो क्या आ रही, आई थिंक नियर बाय 4 × 10^5, ये आनी चाहिए हर्ट्स, इन हर्ट्स, ये आएगी सी ऑप्शन, ये आएगा, चेक करो भाई सभी लोग। चेक कर लीजिए ऑल ऑफ यू, ठीक है, डन कंप्लीट। चलो फिर आज के लिए तक काफी है, कल हम लोग बाकी क्वेश्चन जो हैं, जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग कल करेंगे, 20 क्वेश्चन अराउंड हमारे हो चुके हैं। तो कल एक काम करते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास अराउंड 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो एनालॉग के 40 क्वेश्चन का सेट बन गया आपका, 20 हमने आज डिस्कस कर लिया, 20 हम लोग करेंगे कल डिस्कशन। किसी को पूछना है रिगार्डिंग दिस योर, जो भी आपका नया एग्जाम आने वाला है इसके रिगार्डिंग, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ECIL, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं हमसे। और कैसे प्रिपेयर करना है आपको, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट सेशन में जब ECIL के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल बताया था। अगर आप चाहें तो उस सेशन में जाके फॉलो करें सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कल देखेंगे। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि अनअकैडमी का गेट का 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिल रहा है ओनली 11,999 ओनली, इतने मिल रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये वैलिड है टिल अप्रैल 14, टुडे इज 12, तो 2 दिन बाद आपका ये ऑफर एंड हो जाएगा। सो अप्लाई दिस कोड MANC10, और आप पढ़ना चाहते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर से, और आप पढ़ना चाहते हैं मेरे किसी सब्जेक्ट को, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी जाके आप प्लस के थ्रू मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं आपको पे करना पड़ेगा 17,999 ओनली, राइट। और ये आपके पास ड्यूरेशन 24 मंथ और 12 मंथ के लिए कोर्स का ऑफर प्राइस है 11,999 और 19,999 फॉर 24 मंथ। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं गेट की प्रिपरेशन, गेट 2024 जो लोग दे चुके हैं, या फिर ड्रॉप लेना चाहते हैं, या फिर जूनियर्स हैं जो कि प्लान कर रहे हैं 2025 या फिर 2026, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सब्सक्राइब करें इस ऑफर के साथ में। कोड लगाएं मेरा MANC10, एंड जैसे आप मेरे इस कोड को यूज़ करेंगे आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा। और आपको ये ऑफर कब तक वैलिड है, टिल अप्रैल 14, अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो इस साल गेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मैं देख रहा हूँ कि अंडर मतलब 1,000 रैंक तक कॉल आएगी इंटरव्यू की, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके पास इतनी आ चुकी है। जैसे कि मैं कल आपको बताऊंगा एक नया नोटिफिकेशन जो आउट होने वाला है उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी रैंक 1,000 के अंदर भी आई तो आपके पास इंटरव्यू कॉल के ऑप्शन हैं। इससे गेट का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप PSU के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप PSU में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स टू टॉपर्स एंड आरंभ, आरंभ है 2026 के लिए, एंड ड्रॉपर टू टॉपर्स बैच हमारा 2025 के लिए। EC इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ही बैच, दोनों ही तीनों ब्रांच के लिए हमारे पास अप्रैल 13 से क्या स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो इन दोनों बैचों में अपने आपको अनरोल करने के लिए आपको कोड करना, यूज करना पड़ेगा कोड किसी भी एजुकेटर का, जैसे कि मेरा कोड क्या है MANC10, और आप मेरा कोड यूज करते हैं MANC10 तो आप क्या कर पाएंगे, अपने आपको इसमें अनरोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपर्स हैं हमारे इस साल के, तो ये फीचर्स आपको मिलने वाले हैं प्लस में, और वहीं पे आपके पास एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाले हैं आपको आइकॉनिक। तो आप चाहें तो आइकॉनिक चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्लस को चूज कर सकते हैं।
ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और लोन के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं आपको पे करना पड़ेगा 2100 पर मंथ। अगर आप गेट में कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग गेट एसी पीएससी, तो डायल करें आप इस नंबर को, आपके पास एक कॉल बैक आएगा, जो भी आपकी क्वेरी उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन। किसी को डाउट हो, कुछ पूछना है पूछिए, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग कल। कल हमारे दो सेशन है, उनमें हम लोग कल फर्दर इस सेशन को, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।